अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महराज बलोच। दोस्तों आज मैं एक व्लॉग पे काम कर रहा था, तो वो तो खैर इंशाल्लाह व्लॉग मेरा जल्द इंशाल्लाह आएगा। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है 2 मार्च बलोच कल्चर डे है, और 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाया जाता है, और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, 10-12 सालों से पता नहीं कितना अभी शुरू हुआ है। तो साल के 365 दिन आप नॉर्मल हैं, और अचानक आपको याद आता है, अरे मैं तो बलोच हूँ। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे थ्रू माय फ्रेंड्स मुझे थोड़ा फोर्स किया गया कि आप यू शुड टेक पार्ट इन बलोच कल्चर डे प्रोग्राम। मैंने कहा कि खैर मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं देता। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि आप आपके घर में खुदा ना ख्वास्ता एक फोतगी हो गई हो, और आपके वालिद साहब, आपके भाई, आपकी अम्मी या आपकी बहन, कोई खुदा ना ख्वास्ता दुनिया से चला गया है, और आप उसको 1 घंटा हो गया है, और आप उस 1 घंटे के बाद आप अपने घर में गैर महरम बुलाकर ढोल सुरना करके एक बड़ी सी पगड़ी, बड़ी सी शलवार पहन के क्या आप नाच गाना करोगे? नहीं ना। तो इसीलिए अभी तो आली में पूरा बलूचिस्तान तो इस गम से मुब्तला है, और इसके साथ ही अगर मैं जैसे कि आली में ईरान में एक अभी वाक़या हो गया, उसमें तकरीबन 40 के करीब हमारे बलोच भाई थे वो शहीद हो गए। तो इस हालत में हम कल्चर डे कैसे मनाएं? हमारा ज़मीर हमें गवारा नहीं देता कि हम कल्चर डे मनाएं, खुशियां करें कि भाई मैं बलोच हूँ। आप बलोच हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर अभी तो आप कल्चर के मतलब आप अपना सकाफत शो करें, तो सकाफत आप 365 दिन साल के आप ऐसे ही घूम रहे हैं, और एक दिन में आप अपना सकाफत शो करना चाहते हैं कि मैं बलोच हूँ, मैं बलोच हूँ। अरे आप बलोच हैं, सारी दुनिया मानता है कि बलोच हैं, लेकिन जिस घर में फौतगी हो गई हो, 1 घंटा हो गया हो, उस घर में यहाँ नहीं मनाई जाती कि आप बलोच हैं। और खैर एक छोटा सा मैसेज था मेरे तमाम बलोच भाइयों, बहनों, माओ उनके लिए, और मैं महराज बलोच बहसीत एक बलोच, मैं बलोच कल्चर डे में पार्ट नहीं ले रहा हूँ। और जिन दोस्तों ने मुझे कहा था, मुझे फोर्स किया कि आप ले लें, उनसे मैं माजरत करता हूँ कि मैं हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। और खैर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। #NoBalochCultureDay #BoycottBalochCultureDay